بسم الله الرحمن الرحيم. USS Auction Tokyo, जिसमें कस्टमर्स के लिए कार पार्किंग, पहले ये बिल्कुल एक जगह थी, अभी 3 stories कार पार्किंग बनाई गई है, रिसेंटली इसका इफ्तिताह हुआ है. यानी ये इतने बड़े कस्टमर यानी गाहक हैं, ये जो गाहक आते हैं, कस्टमर आते हैं गाड़ियां बाय या सेल करने के लिए, उनकी पार्किंग के लिए जगह कम थी. और ये देखें लेफ़्ट साइड पर पूरी, ये सिर्फ एक पार्किंग है, इसके अलावा भी और पार्किंग्स हैं. यहाँ पहले ये एक ग्राउंड फ्लोर था, ज़मीन पर थी तो जगह तंग थी, तो फिर अभी रिसेंटली लास्ट 6 months में ये पार्किंग बिल्ड की गई है. ये सिर्फ एक ऑप्शन का मंजर है जिस पर तकरीबन ये देखें कितनी गाड़ियां खड़ी करने की जगह है और कितनी कितना ये रकबा अलग यानी प्लेस कितनी है. और 3 stories हैं, फ्लोर पर सेकंड और फिर रूफ थर्ड फ्लोर पर. दूर तक नज़र देखें लेफ्ट साइड पर और जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ कस्टमर के लिए, ये इतनी बड़ी जगह सिर्फ कस्टमर. और USS में तकरीबन 15-16 हज़ार एवरेज गाड़ियां हर ऑक्शन में सेल होती हैं. बहुत बड़ी ऑक्शन जापान की तादाद के हवाले से गाड़ियों की सबसे बड़ी ऑक्शन. पूरी दुनिया से कस्टमर्स आते हैं, हजारों की तादाद में गाड़ी खरीदी जा सकती है यहाँ पर. ये नीचे से हमको क्लोज व्यू दिखा रहे हैं, 3 steps हैं, यानी एक तो कार के जरिए ऊपर जाती हैं और दूसरा आप सेकंड फ्लोर पर कार पार्क करके सीढ़ियों से नीचे उतर सकते हैं. अभी हम सीढ़ियों के रास्ते आपको सेकंड फ्लोर पर लेके जा रहे हैं. आसमान पर हल्के हल्के सफेद बादल, खूबसूरत मौसम, सर्दियों की एक और खूबसूरत सुबह. सेकेंड फ्लोर पर अभी हम पहुंच चुके हैं और ये सेकेंड फ्लोर की एंट्रेंस है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड फ्लोर के व्यू आपको दिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.